आपने आज से पहले दम आलू की बहुत रेसिपीज देखी होगी, लेकिन दोस्तों ये जो प्रेशर कुकर वाला तरीका है ना, ये सबसे आसान तरीका है घर पे दम आलू बनाने का। इसमें ना ही आपको ज्यादा काटना पीटना है, ना ही ज्यादा मेहनत करनी है। बहुत ही जल्दी दोस्तों बहुत ही बढ़िया दम आलू आपको बनकर मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। दम आलू बनाते वक्त सबसे पहले जो आपने तैयारियां करनी है, अब ये ध्यान से देख लो। मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए हैं। ये छोटे वाले आलू हैं और सच में छोटे वाले आलू दम आलू में बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर जो मैंने आलू यूज करे हैं ये पहाड़ी है और पहाड़ी आलू में मांड ज्यादा होता है, यानी कि वो थोड़े से पफी पफी बनकर आएंगे। उनमें स्टार्च ज्यादा होता है और पानी कम होता है। आप सिर्फ छिलकर आलूओं में ऐसे कांटे से छेद कर लेना। ये छेद इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आलू का जो स्टार्च है, जब वो जेलेटिनाइज हो रहा होता है, उस स्टेज में अगर इसमें नमक चले जाए, और सिर्फ इन छेद की वजह से दोस्तों आलू के एकदम अंदर तक फ्लेवर आएगा। जब जेलेटिनाइज होंगे ना, तो सारा नमक अपने अंदर होल्ड कर लेंगे। लेकिन अभी आप प्याज लेना, 2 या 3 प्याज में बढ़िया काम हो जाएगा, और उनको काटना मत, बस उनमें छिलकर ऐसे कट लगा देना। लहसुन तो सिर्फ मैंने काट कर रखी है, लेकिन अदरक को 2-3 कट में आप काट लेना, ताकि वो अपना फ्लेवर भी छोड़े। बाकी घिसने विसने की कोई जरूरत नहीं है, सारा काम बाद में आराम से हो जाएगा। मैंने थोड़े से टमाटर लिए हैं और उनको सिर्फ आधा कर लिया है और उनकी रूट्स निकाल ली है। और बस दोस्तों सीधा ही चलते हैं पकाने के लिए। आप कुकर लेना और कुकर में सबसे पहले आलू डालना, टमाटर भी डाल देना, प्याज भी डाल देना, थोड़ी सूखी लाल मिर्चें हैं मैंने ये डाली हैं, अदरक, धनिया की डंठल डाली है मैंने। धनिया की डंठल की दोस्तों खुशबू बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ लहसुन, काजू और नमक मत भूलना, नमक बहुत जरूरी है ताकि आलूओं के अंदर तक टेस्ट आए। और बस 1 कप पानी, ज्यादा पानी मत डालना दोस्तों, नहीं तो आगे जाकर आपको दिक्कत आएगी। जितना कम पानी में प्रेशर कुकर काम कर दे उतना ही अच्छा है आपके लिए। दोस्तों इस रेसिपी की खास बात ही यही है कि सब कुछ आपको कुकर में डालना है, लगाना है और आपको 1 सीटी देनी है, बस सिर्फ 1 सीटी। और जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा ना, उस 1 सीटी के बाद आप खुद ही देखना कि सारी चीजें अच्छे से गल चुकी होंगी। हाँ, लेकिन कुकर खोलने के बाद दोस्तों ये स्टेप जरूर कर देना कि जो टमाटर है ना, उसका छिलका निकाल देना। दोस्तों रेस्टोरेंट में जब भी ब्लांचिंग करी जाती है तो उसमें छिलका निकल जाता है, या तो छानते वक्त छिलका और टमाटर के बीज निकल जाते हैं। तो हमने भी वही किया है कुकर में, और छिलका निकालने से आपकी जो ग्रेवी है वो ज्यादा स्मूथ बनेगी और ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान देना कि आप सारी चीजें निकाल देना, लेकिन आलूओं को अलग निकालना और बाकी सारी चीजों को अलग निकालना, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आलूओं को अभी हमें ट्रीट करना है और बाकी सारी चीजों को हमें पीसना है। और रही बात इस पानी की, तो इसको गलती से फेंकना मत दोस्तों, इसमें बहुत फ्लेवर है, ये आगे जाके आपकी ग्रेवी बनाने में काम आएगा। 1 सीटी में आलू का क्या होता है, तो 1 सीटी में दोस्तों आलू एक्चुअल में पार बॉईल हो जाते हैं, यानी कि 80-90% तक पक जाएंगे और एकदम नरम नरम हो जाएंगे। और आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें वो जो कांटे की लाइंस है ना, ये पूरी अंदर तक फ्लेवर लाकर देगी दोस्तों। अब मैंने क्या किया है कि मैंने एक देग ली है, देग में मैंने सरसों का तेल डाला है और मैंने पूरा उतना तेल डाला है जो मैं रेसिपी में यूज करने वाला हूँ। यानी कि आप इतना तेल लेना कि आपके आलू भी अच्छे से फ्राई हो पाए और आपकी ग्रेवी भी अच्छे से भुन पाए। जब गरम गरम हो जाए, एकदम धुआं निकलने लग जाए, तो इसमें जो आलू थे वो डाल देना। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर आलूओं को हल्का सा शैलो फ्राई कर लेना। सरसों का तेल काफी गरम है दोस्तों, तो आलूओं को ऐसे करछी से ही डालना आराम आराम से, इधर तेल छिटक कर आपके ऊपर आ जाएगा। फ्राई करने से आलू का एक तो टेक्सचर बहुत बदलता है, दूसरा वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करना शुरू करते हैं। ये स्टेप बहुत जरूरी है दोस्तों। एक्चुअल में अगर दम आलू जब बनाते हैं तो उसमें आलूओं को लगभग 15 से 20 मिनट तक तलते हैं, लेकिन इस रेसिपी के लिए आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे, मीडियम लो फ्लेम पर आराम आराम से करना, ताकि आलू की जो बाहर की सरफेस है ना, वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। बिल्कुल इस स्टेज तक आपने पकाना है। अच्छा, इतनी देर में क्या होगा कि वो जो प्याज, टमाटर, काजू, अदरक, लहसुन जो आपने रखे होंगे बोल में निकाल कर, वो ठंडे हो चुके होंगे। ठंडा करने के बाद ही इनको मिक्सी में पीसना और एकदम फाइन पेस्ट बना लेना, जितना फाइन हो सकता है उतना फाइन पेस्ट बनाना दोस्तों। अगर आप गरम गरम में पीसोगे तो मिक्सी के ढक्कन खुलने के चांसेस भी होते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना इस बात का, कोशिश करना गरम गरम ना पीसो। अगर आप पीसने वाले भी हो तो उसके ऊपर एक कपड़ा रख देना और अपना हाथ रख देना, ताकि ढक्कन हीट की वजह से खुल ना जाए।
और बस एकदम फाइन पेस्ट जब आपको मिल जाए तो उसी देग पर चलते हैं। और देग में थोड़े से मैंने यहाँ पर खड़े मसाले डाले हैं, मैंने सारे खड़े मसाले स्क्रीन पर लिख दिए हैं, आप चाहो तो आप इनको स्किप भी कर सकते हो और गरम मसालों को बढ़ा भी सकते हो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। लेकिन खड़े मसालों के साथ आप हींग जरूर डालना, दम आलू में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही मसाले तिड़कने लग जाए ना, आप क्या करना कि आप वो जो मिक्सी में हमने पीस कर पेस्ट बनाया है उसको डाल देना, और जो पानी बचा था ना कुकर में भाई उसको बिल्कुल मत छोड़ना। मैंने तो उसको मिक्सी में डाला है, अच्छे से शेक किया है और सारा पेस्ट निकाल दिया है। और इसी टाइम पर आप यहाँ पर एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का डाल देना और हल्दी का डाल देना, और साथ साथ आप यहाँ पर नमक डाल देना। और अब आपने क्या करना है, आपने दोस्तों इस ग्रेवी को अच्छे से पकाना है, इतना पानी है ना इसमें उसको रिड्यूस करना है, और ये जो रिडक्शन होगा ना तभी बहुत अच्छा टेस्ट निकल कर आएगा आपकी ग्रेवी में। ग्रेवी को भुनने में आपको 5 से 10 मिनट आराम से लग जाएंगे, और आपने तब तक पकाना है जब तक कि इसका तेल अलग नहीं हो जाता। तो आप ढक्कन लगाना, बीच में एक दो बारी खोल कर चेक जरूर करना, और जब तेल अच्छे से अलग होने लग जाए ना बस उस स्टेज तक आप पकाना। आप देखो देखते ही देखते ग्रेवी काफी गाढ़ी हो गई है, और साइड्स में आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको तेल भी काफी निकलता हुआ दिख जाएगा। तो जब तेल साइड्स में आना शुरू हो जाए तो फिर आप यहाँ पर आलू डाल देना। दम कुकिंग करने के लिए एक स्पेशल कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर दही ली है थोड़ी सी, और वो जो दूध की मलाई होती है ना उसके ऊपर वो ली है। इसके ऊपर आप यहाँ पर डालना गरम मसाला, ये है आधा चम्मच सौंठ यानी कि सूखी अदरक का पाउडर, साथ में मैंने आधा चम्मच सौंफ का पाउडर डाला है, और धनिया पाउडर। ये चीजें आप यहाँ पर डालना और इसको अच्छे से मिलाना, और ये जो पेस्ट है ना यही आपको एंड में दम कुकिंग में हेल्प करेगा। यहाँ पर आलूओं के अंदर अच्छे से कुकिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर बस आधा कप पानी और डाला है। इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिला देना, और आपको कुछ कुछ ऐसा सा पेस्ट मिलना चाहिए। और ये जो पेस्ट है ना ये अब आप डालना आलूओं के साथ, सारी चीजों को आप अच्छे से मिलाना। एंड में बस यहाँ पर थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें और धनिया डाल देना, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और फिर आप गैस को करना एकदम लो फ्लेम पर, और ढक कर इसको 5 से 10 मिनट के लिए एकदम लोएस्ट फ्लेम पर आराम से पकने देना। इतनी देर में बहुत ही बढ़िया दम कुकिंग हो जाएगी, और आलू तो क्या ग्रेवी में भी एक एक कोने में बहुत अच्छे से फ्लेवर आएगा दोस्तों। जब 10 मिनट बाद ढक्कन खोलोगे ना तब गैस को बंद कर देना, और फिर 1-2 मिनट बाद ढक्कन खोलना। एकदम बढ़िया परफेक्ट दम आलू आपको मिलेंगे, आप खुद ही देख सकते हो दोस्तों, बहुत अमेजिंग लग रहे हैं ना। आप इसको रोटी पराठे नान के साथ खा कर देखना, सिंपल है इजी है और आपको बहुत पसंद आएगी। अब दम आलू तो आप एकदम परफेक्ट बना लोगे घर पर, लेकिन क्या आप जानते हो कि 5 मिनट में ही आप आलू के कच्चे आलू के स्नैक्स बना सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। वो कैसे, उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।